मोदी इज अनस्टॉपेबल, ये मैं नहीं कह रही, ये कहना है न्यूज़वीक का। The American weekly news magazine Newsweek has featured Prime Minister Narendra Modi on its cover in its latest edition. ये भी अमेरिकन मीडिया आउटलेट है। जनाब एक इस मुल्क को एक ऐसा लीडर मिल गया जिसका सदियों से इंतजार था। ये नेहरू का भारत नहीं है, ये मोदी का है। And the Chinese side is equally worried. India सरमायाकारी के लिए सबसे ज्यादा पुरकशिश उभरती हुई मार्केट बन गया है। चाइना को पीछे छोड़कर क्या कहेंगे, कितनी बड़ी अचीवमेंट है इंडिया के लिए। Their cover featured the story of India's growth and how the country has changed for the better or for worse under Narendra Modi as the PM. ये तो बहुत बड़ी अचीवमेंट इंडिया की है क्योंकि इंडिया में अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा। मैं भारत में सिर्फ और सिर्फ इस वजह से खुश हूं, कोलोनियलिज्म का, हिंदुओं के हॉलोकॉस्ट का जो बदला ले रहे हैं तालीम के साथ, मैं उस पर खुश हूं क्योंकि हम तो ये लेने की सलाहियत नहीं रखते। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक स्टार की हैसियत रखते हैं और ये स्टारडम पॉलिटिशियंस को आज के जमाने में बहुत मुश्किल से नसीब होता है। उसके टाइटल पर नरेंद्र मोदी साहब की तस्वीर, फुल टाइटल पर उनकी पिक्चर आना, उनका इमेज और साथ में अनस्टॉपेबल लिखना, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि उन्होंने दुनिया को ये बताया है कि मुझे रोक नहीं सकते। मोदी इज अनस्टॉपेबल, ये मैं नहीं कह रही, ये कहना है न्यूज़वीक का। यूएस बेस्ड मैगजीन न्यूज़वीक ने भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी साहब का एक ऐसा इंटरव्यू कर डाला है जिसने तहलका मचा दिया है। और न्यूज़वीक का टाइटल सिर्फ ये नहीं है कि मोदी इज अनस्टॉपेबल, बल्कि न्यूज़वीक का कंप्लीट टाइटल है नरेंद्र मोदी एंड द अनस्टॉपेबल राइज ऑफ इंडिया, यानी नरेंद्र मोदी एंड द अनस्टॉपेबल राइज ऑफ इंडिया। ये टाइटल है न्यूज़वीक के इस इंटरव्यू का, 90 मिनट्स का ये इंटरव्यू जो कि भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब ने अपनी रेजिडेंस पर, न्यूज़वीक के ना सिर्फ सीईओ वहां पर मौजूद थे बल्कि इसके साथ इंटरव्यू करने के लिए भी वहां पर उनके रिपोर्टर्स मौजूद थे। ये इंटरव्यू एक बहुत ही अहम इंटरव्यू इसलिए है कि ऐसा लगता है, मेरा ये कहना है कि ये भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब का मास्टर स्ट्रोक है। मास्टर स्ट्रोक इसलिए है कि नई हुकूमत आने में कुछ दिन, इलेक्शन के नजदीक नरेंद्र मोदी साहब इलेक्शन में जा रहे हैं, एंटर हो रहे हैं और अगली हुकूमत उनके आने के ब्राइट चांसेस, तो उन्होंने दुनिया को ये बताया है कि भारत में जो नई हुकूमत आ रही है, जो नया प्राइम मिनिस्टर आ रहा है, वो दुनिया के मुतालिक क्या ख्याल रखता है। और इसमें इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने जो मैसेज दिया है वो है पीस का। इसीलिए मैंने कहा कि मास्टर स्ट्रोक है ये, क्योंकि उन्होंने ना सिर्फ इंडिया पाकिस्तान बल्कि पूरी वर्ल्ड के लिए पीस का मैसेज दिया है। इंडिया के ऊपर खसूसी जो इंडिया ने बात की है, पाकिस्तान के ऊपर उन्होंने बात की है और इंडिया पर बाकायदा बात की है और इसी के साथ क्वाड पर बात की है, अपने इलेक्शंस पर बात की है, इंडिया की ग्रोथ पर बात की है, इंडिया की तरक्की पर बात की है। वन बाय वन ये पॉइंट्स हम आपके सामने रखते हैं। देखिए, जो मैं ये कह रही हूँ कि ये मास्टर स्ट्रोक है, वो इसलिए है कि जो इसका इम्पैक्ट है, आप देखिए ना कि न्यूज़वीक को एक ऐसा इंटरव्यू देना और उसके टाइटल पर नरेंद्र मोदी साहब की तस्वीर, फुल टाइटल पर उनकी पिक्चर आना, उनका इमेज और साथ में अनस्टॉपेबल लिखना, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि उन्होंने दुनिया को ये बताया है कि मुझे रोक नहीं सकते, आई एम अनस्टॉपेबल फॉर द राइज ऑफ इंडिया एंड राइज ऑफ इंडिया इज ऑल्सो अनस्टॉपेबल, ये उनका कहना है। और साथ में जब उन्होंने बात ही सारी पीस की है, तो इसका मतलब है कि इसका इम्पैक्ट क्या है, कि भाई कोई फिक्र की बात नहीं है, इंडिया में जो नई हुकूमत आ रही है, जो नई गवर्नमेंट आ रही है, उसमें जो नया प्राइम मिनिस्टर है उनका, वो पीस की बात करता है और हमें तो किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं चाहिए। अच्छा, अब ये इस सिनेरियो में ज्यादा अहम इसलिए कि इससे पहले हमने देखा कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच जो कुछ चलता रहा और उसमें बहुत सारी बातें ऐसी की गई जिसके ऊपर जो है वो पाकिस्तान के ऊपर काफी तंज की गई, सार्केस्टिकली बहुत सारी बातें की गई और लड़ाई झगड़े की भी बहुत सारी बातें हुई, तो वो तमाम बातें जो है ना वो इस इंटरव्यू के बाद एक तरीके से नल एंड वॉइड हो गई। यानी ये कि उन्होंने ये कहा है कि एक जो कदावर लीडर होता है,
जो एक बड़ा लीडर होता है वो जिस तरीके से बात करता है, उन्होंने इस इंटरव्यू में वो वाली बात की है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम पाकिस्तान की बात से, पाकिस्तान के हवाले से उन्होंने क्या कहा है, फिर हम इसके ऊपर जो है जितने भी पॉइंट्स हैं उसके ऊपर, मेरी तो कोशिश यही होगी कि मैं तमाम पॉइंट्स पर जो है ये बात करूं। और इसमें जैसे मैंने आपको कहा 90 मिनट्स कन्वर्सेशन एट हिज ऑफिशियल रेजिडेंस विद न्यूज़वीक प्रेसिडेंट एंड सीईओ देव, ग्लोबल एडिटर इन चीफ नैंसी कूपर एंड एडिटोरियल डायरेक्टर एशिया दानिश मंजूर भट्ट, ये वहां पर मौजूद थे, उनके साथ उन्होंने ये गुफ्तगू फरमाई है। लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान पर उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि I have congratulated the Prime Minister of Pakistan on taking over office. ये मैंने तो वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब को मुबारकबाद दी। नरेंद्र मोदी साहब फरमा रहे हैं कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को मुबारकबाद दी जब उन्होंने जो है अपना हलफ उठाया, ओथ लिया, और फिर उन्होंने कहा कि इंडिया हैज ऑलवेज सपोर्ट फॉर पीस, सिक्योरिटी एंड प्रॉस्पेरिटी इन आवर रीजन इन एन एटमोसफियर फ्री फ्रॉम टेरर एंड वायलेंस। ये बड़ा अहम है कि भारत हमेशा ये चाहता है कि रीजन में पीस रहे और प्रॉस्पेरिटी रहे जितने भी कंट्रीज हैं उनके साथ। तो पाकिस्तान के ऊपर उन्होंने कहा है कि हम तो पीस एंड सिक्योरिटी की बात करते हैं। सबसे अहम मैसेज तो ये है कि उन्होंने कहा नहीं भाई, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई डिस्प्यूट नहीं, हम तो ऐसा चाहते नहीं है, हम तो पीस और सिक्योरिटी चाहते हैं पाकिस्तान के साथ। और साथ में ये कहना कि प्रॉस्पेरिटी यानी कि स्टेबिलिटी भी होनी चाहिए, क्योंकि किसी कंट्री में याद रखिएगा स्टेबिलिटी होगी तो तभी रीजन में भी स्टेबिलिटी होगी। तो वो भी ये जानते हैं, इंडिया भी जानता है कि पाकिस्तान के अंदर अगर स्टेबिलिटी रहती है तो जाहिर है कि रीजन के अंदर भी स्टेबिलिटी रहेगी, लेकिन जो सिचुएशन है वो तो आप जानते हैं पाकिस्तान के अंदर। अच्छा, इसके अंदर फिर उनका ये कहना, एक सबसे अहम पॉइंट इसके अंदर ये है कि उन्होंने कहा कि एटमोसफियर फ्री फ्रॉम टेरर एंड वायलेंस, कि हमें दहशतगर्दी नहीं चाहिए। ये पीस एंड सिक्योरिटी की बात हम उस वक्त कर रहे हैं कि जब हमारे खिलाफ दहशतगर्दी नहीं। क्यों नहीं हम सोचते कि हम पढ़े लिखे? सबसे बड़ी बात, मैं आज गारंटी कर गाजा का सलूशन मैं आज बता देता हूं। गाजा का सलूशन है, मैं कहता हूं इन फलस्तीनियों को चाहिए कि जिस तरह इजराइल कहता है वैसे कर लें, सर नीचे करके 20 साल अपने बच्चों को मैथ पढ़ा लें, इंग्लिश पढ़ा लें, अपनी कामयाबी के साथ ये रिवेंज ले लें। मैं भारत में सिर्फ और सिर्फ इस वजह से खुश हूं, कोलोनियलिज्म का, हिंदुओं के होलोकॉस्ट का जो बदला ले रहे हैं तालीम के साथ, मैं उस पर खुश हूं, क्योंकि हम तो ये लेने की सलाहियत नहीं रखते। हमारे लिए तो हमें बताया जाता है हमारा हीरो गौरी है, अब्दाली है, फलाना है, गजनी है, जो कि नहीं है। मैं तो नहीं उनको हीरो मानता, ओप्रेसर थे, हमें इन्वेडर थे, मारते रहे, हमारा कल्चर तबाह कर दिया उन्होंने, हमारी आइडेंटिटी खत्म कर दी। लेकिन भारत ने लिया बदला, मैं खुश हूं इस पर, भारतीयों पर खुश हूं इस बात पर। मेरी नजर में भारत को चाहिए कि अपना सर नीचे करके तरक्की की तरफ जाता रहे। मैं उनका जो नया आइडिया जो उनका है, बल्कि जो दो लोगों ने उस पर बात की थी, मोदी जी ने बिल गेट के साथ बैठ के बात की थी कि डिजिटल रेवोल्यूशन में भारत तरक्की करना चाहता है, आगे जाना चाहता है, पहले भी उनकी लीड मौजूद है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो माइक्रोसॉफ्ट और इस वक्त गूगल वालों ने जो सीईओ जो भारतीय है, उन्होंने जो वादा किया वह कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के स्पेशलिस्ट पैदा करेंगे और भारत उसमें लीड करना चाहता है, मेरे ख्याल में उसको फोकस रखना चाहिए।